मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। जिस समय बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, उसी समय यहाँ के लोगों ने जीत को अपने मन में धारण कर लिया है। इस क्षेत्र में हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। मैंने जातीयता की राजनीति 10 साल में किया ही नहीं है। मैंने नर को नारायण मानकर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का काम किया है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, अगर मैंने काम किया है तो दल, जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट दीजिएगा। जो आज तमाम दलों में घूम रहे हैं, आप देख लीजिएगा जब ये पोलिंग पर भी जाएंगे तो ये हमारे विकास, हमारे मान सम्मान के कारण जो हमने उनको दिया है वो हाथी के सामने वाली बटन दबा कर आएंगे। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखिए, अभी मंडल की जो मीटिंग हुई बहन मायावती ने अम्बेडकर नगर में किया है, उससे जयसिंहपुर के लोग, सुल्तानपुर के लोग बढ़ चल कर थे। अब मोदी योगी की हवा निकल चुकी है, ब्राह्मण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और सभी समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब मोदी योगी की नहीं चलेगी। क्या देख रहे हैं सर? सभी वर्ग के लोगों का समर्थन, स्नेह, प्यार, यही दिखाई पड़ रहा है। क्या नजर आ रहा है? जीत का लक्ष्य कितनी दूर है या फिर लक्ष्य के पार हैं आप? मैंने पहले भी कहा था, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। जिस समय बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, उसी समय यहाँ के लोगों ने जीत को अपने मन में धारण कर लिया है। वो केवल 27 तारीख को वोट देंगे और 10 तारीख को उसकी गिनती होगी, गिनती करेंगे। जैसे सभी नेता कहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश का जो चुनावी परिदृश्य होता है उसमें जातीय समीकरण बड़ा मतलब रखता है, समीकरणों का बड़ा मतलब होता है। ओपी सिंह जी से जानना चाहेंगे, आपने कैसे समीकरण को फाड़ा? कोई समीकरण नहीं है। इस क्षेत्र में हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। मैंने जातीयता की राजनीति 10 साल में किया ही नहीं है। मैंने नर को नारायण मानकर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का काम किया है। हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर संप्रदाय के लोग मेरे विकास, मेरे मान सम्मान की वजह से आज बहुजन समाज पार्टी के कारण हमारे साथ स्नेह और प्यार से लगे हुए हैं। इसमें कोई जातीय गणित नहीं है। क्या रणनीति है जयसिंहपुर में सर? देखिए, रणनीति बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट है। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की लड़ाई, उनके हक हुकूक की लड़ाई और ये नौजवान जो बेरोजगार टहल रहे हैं इनकी लड़ाई और जो कमर तोड़ महंगाई इसकी लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। बहुजन समाज पार्टी केवल एक ही नारा है, इस समाज में सामाजिक समरसता हो, समतामूलक समाज हो और भाईचारा हो। जयसिंहपुर में क्या देख रहे हैं? जयसिंहपुर में चूंकि ओपी सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, एक कोई नए नहीं है, 2 बार इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने और मंत्री बने। 10 वर्षों में 2002 से 7 और 2007 से 12 तक, इन 10 वर्षों में जो विकास की रूपरेखा पूरी जयसिंहपुर विधानसभाओं में, पूरी विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में विकास का पत्थर ओपी सिंह के नाम से न लगा हो। पूरे समूचे विधानसभा की बात कर रहा हूं। और 2002 से लेकर 2012 तक जब जब मेरी सरकार बनी और मुख्य रूप से 2007 से 12 तक, तो सबके साथ अन्याय हुआ। सबसे ज़्यादा भर्ती अगर हुई, रोजगार मिला, नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, तो 2007 से 12 की हुकूमत में हुआ। तब माननीय विधायक जी जो आपके सामने प्रत्याशी के रूप में आए हैं उस समय ये थे। और चाहे सफाई कर्मी की भर्ती रही हो, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला रहा हो, चाहे सिपाहियों की भर्ती का मामला रहा हो, उसके बाद से किसी भी सरकार ने नौजवानों की तरफ आँख उठाकर देखने का काम नहीं किया है। जीत के लिए कैसी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पर? हमारा तो बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है। सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और यह बहुजन समाज पार्टी जाति धर्म पर नहीं विश्वास करती। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सर्व समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। कितने दिन यहाँ रहेंगे? हम पूरे चुनाव भर यहाँ हैं और ओपी सिंह को जब तक विधायक बना के अपने साथ ले जाएंगे और मंत्री बना के वहाँ से वापस ले जाएंगे। अभी पवन पांडे जी भी आए थे, पूर्व विधायक, हमें लगता है जल्दबाजी में चले गए।
उनके सवाल लगे। उनका पवन पांडे जी का बेटा स्वयं कटहरी से चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने बहुत टाइम दिया और पवन पांडे का भी यहाँ लोग बहुत उनको प्यार करते हैं। पवन पांडे का बड़ा सम्मान है इस हमारे सुल्तानपुर जनपद में और उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली है। वो तो संकल्प लेके यहाँ से गए हैं कि ओपी सिंह को हम जिताएंगे और जिसका लाभ उनको उस विधानसभा में मिलेगा। कटहरी सटी हुई विधानसभाएँ हैं, दोनों बॉर्डर है, कटहरी और सदर दोनों विधानसभाओं का बॉर्डर है। कैसे लाभ मिलेगा उनको पवन पांडे जी? लाभ ये मिलेगा कि यहाँ का जो वोट है वो वोट वहाँ बोलेगा और वहाँ का वोट यहाँ बोलेगा। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।